a bomb of 9 kilogram explodes into 2 pieces of 3 kilogram and 6 kilogram. If velocity of 3 kilogram is 16 meters per second, then find kinetic energy of other piece will be. तो उसने कहा कि आपके पास एक बॉम्ब है, 9 kg का है, अच्छी बात है, दो पार्ट में टूट गया, 2 pieces 3 kilogram का और कितने का, 6 kg का. 3 kg की जो स्पीड है वो 16 meters per second है, जो अदर पीस है 6 kg, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो जब ये ब्रेक हो रहा है, जब ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो हम तो एक्सप्लोड कर नहीं रहे, अपने आप ही एक्सप्लोड हो गया. तो इसका मतलब यहां पर कंजर्व क्या रहेगा, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ. तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो गया, 0, रेस्ट में था. फाइनली इसका मोमेंटम 3 × 16 m × v, और इसका जो होगा वो 6 × क्या आ जाएगा, 6 × v वेलोसिटी, ठीक है, m × v. अच्छा, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 3 × 16 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू ये वेलोसिटी आ गई, कितना आ गया, -8 meters per second. माइनस साइन ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन इस 3 kg के अपोजिट होगी. यस, अब अपन काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी निकालनी है, तो हाफ एम भी स्क्वायर कर दीजिए. हाफ एम कितना है, 6, वी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64. बोलो ये आंसर है, 192. ठीक है, यस बिल्कुल सही है पीयूष. चलो अगला करो, सेकंड वाला, जल्दी जल्दी करिए सभी लोग, फास्ट करो, नोट सबके पास होंगे, जल्दी से फास्ट करो सेकंड और आंसर जल्दी जल्दी लिखते जाइए आप. सेकंड कितना रहा है, 95% सही है. अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम स्ट्राइक्स विद स्टेबल ब्लॉक ऑफ 950 ग्राम एम्बेडेड इन ब्लॉक, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने, परसेंटेज लॉस का क्या था, m2 upon m1 plus m2 into 100%. ये था, दूसरा ब्लॉक रेस्ट में हो और पहला ब्लॉक आके उसके अंदर धस जाए, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला हमने ये बताया था, काइनेटिक एनर्जी में लॉस का, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, बताया था ये. तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो, m2 कितना है बोलो, सेकंड में m2 है 950, m1 50 प्लस 950 इंटू 100, सॉल्व कर लो, 95% आंसर हो गया. ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो सभी. थर्ड, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 meters, इट्स 40% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू कोलिजन, देन हाइट अटेंड बाय इट आफ्टर 1 collision. क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने कहा कि एक बॉल को हम 10 meters की हाइट से गिरा रहे हैं, तो h1 इक्वल टू है 10 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं एक बॉल को, या बॉल नीचे गिरती है और इसकी 40% एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर ऊपर जाती है बॉल, तो बताओ कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, वो h2 फाइंड करना है. अगर 40% एनर्जी लॉस हो गई, ऐसा सोचो उल्टा, मान लो एनर्जी लॉस नहीं होती तो क्या होता, 10 मीटर से गिरा रहे थे तो टकराने के बाद भी ऊपर 10 मीटर तक ही जाती, क्योंकि 100% एनर्जी से आ रही थी, तो जब वो बाउंस बैक होगी तब भी उसके पास 100% एनर्जी थी, उसी एनर्जी से ऊपर जाएगी. लेकिन अगर कुछ लॉस हो जाए, तो अब जो बाउंस बैक होगी
वो जितनी बची हुई एनर्जी है उस एनर्जी से बाउंस बैक होगी। तो 40% अगर लॉस हो गई तो बची कितनी, उसके अंदर 60% बची, मतलब 60% एनर्जी से ऊपर जाएगी। 100% से ऊपर जाती तो 10 मीटर जाती, तो 60% से ऊपर जाएगी तो हिसाब लगा लो 6 मीटर जाएगी। आंसर इज 6 मीटर। कितना आसान है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 मीटर। समझ में आया कैसे, क्योंकि 40% इज लॉस्ट, दैट मीन्स 60% रिमेन्स, विद 60% इट्स हाइट विल बी 6 मीटर। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, इफ इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 50% देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। कितनी इंक्रीज होगी अगर हम लीनियर मोमेंटम को 50% इंक्रीज करते हैं। उसने कहा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो 50% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या फॉर्मूला होता है वो हम देख लें। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, सबको पता है, ठीक है, पता है ना सबको। अब उसने कहा मास तो कांस्टेंट है लेकिन मोमेंटम बढ़ा दिया 50%, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पी स्क्वायर है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल लॉजिकल करें और एक पूरे मेथड फॉलो करें। पूरी मेथड ये होगी कि परसेंटेज चेंज निकालना है तो K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100%, ये हो जाएगा P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। अब P2 कितना बोलो, P1 कितना, P1 को अगर हम 100 मान लें, कितना मान लिया P1 को 100, तो 100 का 50% बढ़ाना तो नया क्या हो गया 150, ठीक है। इनिशियल अगर P1 100 है तो P2 150 हो गया होगा, तो 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100। एक तो ये तरीका है, और एक शॉर्ट तरीका ये है, आपको सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल, आप तो ये देख लो पी स्क्वायर क्या है, मतलब इसका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, और इनिशियल को मान लिया करो 1, जो मैं यहां 100 बोल रहा हूं। ट्रेडिशनल मेथड ये होती है कि 100 पर 50% बढ़ा है, ठीक है, 50% का मतलब 100 पहले था उसका कितना बढ़ गया, 100 पर कितना बढ़ा, उसी को अपन कहते हैं परसेंटेज। तो 100 मानने की बजाय आप क्या मानो 1, उससे आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 मानता हूं तो नीचे भी 1 लिखूंगा, इधर भी 1 लिखूंगा, तो ये तो सिंपल ही है कि यहां कोई भी पावर बनी रहे 1 ही आने वाला है। एक शॉर्टकट बन गया हमारे पास कि कोई भी पावर बनी रहे इधर तो 1 ही आने वाला है, तो नीचे लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल कुछ भी बना रहे अगर वो 1 है, पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगी। तो सिंपल क्या हुआ, पी स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अच्छा यहां भी 1 ही आएगा चाहे कोई भी पावर हो। तो सिंपल अब फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, बना P2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, बन गया कि नहीं शॉर्टकट। तो ये स्टेप मन में की जा सकती है, P2 मतलब फाइनल, तो इनिशियल 1 है, उसका 50% बढ़ गया, तो 1 का 50% कितना हुआ 0.5, तो नया क्या हो गया 1.5, तो यानी 1.5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो वो हो गया 2.25 माइनस 1 इंटू 100, तो 1.25 बचा इंटू 100 यानी 125%, यही आंसर आएगा
अब काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, यानी मोमेंटम अगर 50% बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ रही होगी। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, जो भी पावर का रिलेशन दिया हुआ है, स्क्वायर हो, क्यूब है, कुछ भी हो, तो उसका स्क्वायर करो, उसमें से एक कम करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। ये मन में ही करो, ये सब करने की जरूरत नहीं, मन में करो, स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, जो भी पावर दियो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को करते हम, अब हम शॉर्टकट से करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ बॉडी, और काइनेटिक एनर्जी को वो बोल रहा है कि 800% बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी आपने? 800%। तो बताइए कि इसका मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, मोमेंटम कितना बढ़ जाएगा। तो अब उल्टा करो कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करेगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर पॉइंट 2m होता है, तो बताओ मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। के को काइनेटिक एनर्जी मान सकता हूं, लिख सकता हूं पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के के लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो इसका मतलब 2m तो कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? के। क्लियर? अब मन में करना है, यहां पावर क्या आई है? 1/2। काइनेटिक एनर्जी की पावर क्या आई है? 1/2। अब ये मन में करो, अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो मतलब रूट के माइनस 1 इंटू 100 करना है। तो रूट के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सोचो 1 मान लिया मैंने, 1 का 800% क्या होगा? लगाओ साहब, उसका कर लो रूट, ठीक है, और फिर कर लो माइनस 1 इंटू 100, करो सभी। अरे 1 का 800% का मतलब सीधे 8 नहीं, 1 का 100% 1 होता है, उतना ही होता है, 200% 2 हो गया, 300% 3 हो गया, तो 800% 8 गुना हो गया सीधे। जितने परसेंट निकालना है 100 हटाओ उससे, तो उतने गुना हो गया, तो 1 का 800% 8 हुआ, तो नया कितना हो गया? 9 हुआ कि नहीं? नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 800% बढ़ गई, यानी इनिशियल 1 थी, 1 मानी थी, उसका 800% 8 बढ़ गई, यानी 9 हो गई। तो अब सिंपल मन में सोचो, 9 का रूट 3 हुआ, उसमें से एक कम करो, 2 हुए, 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 हो गए, आंसर हो गया 200%, ठीक है, आंसर हुआ इसका 200%। दो आ रहा है, 300 आ रहा है। कर लोगे? परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला था हमारे पास, रूट के टू माइनस 1 इंटू 100। रूट के टू, के टू कितना हो गया था फाइनली? 9 हो गया था, माइनस 1 इंटू 100%, तो ये 3 माइनस 1 2, यानी 200%, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, करिए 6। कार ऑफ 100 किलोग्राम इज एट रेस्ट एंड ट्रक ऑफ 7000 किलोग्राम मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद इट
एंड आफ्टर कोलिजन मूव टुगेदर द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास. कितना आसान है, बोलो क्या फार्मूला था. कंबाइंड मास का वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब इनइलास्टिक कोलिजन हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक में कंबाइंड मास की वेलोसिटी का फार्मूला था एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू. ठीक है, बोलो एम वन क्या है. 1000 किलोग्राम का मास है जो कि रेस्ट में है तो जीरो हो गया, प्लस एक ट्रक है 7000 का जो कि 10 मीटर से चल रहा था, कोलिजन होके दोनों चिपक गए. M1 M2 यानी 7000 और 1000 8000 हो गए, तीन जीरो उड़ा दो 70/8 ऐसे ही कुछ आ रहा है. ठीक है, यही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. सेवेंटी बाई एट पीयूष राजपूत सही किया. क्वेश्चन नंबर 7th. सेवंथ में बोला गया है टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल बी. मास सेम है तो इसका तो फार्मूला पता है, क्वेश्चन नंबर 8 का फार्मूला पता है ना, क्या था v1 निकालने का, बोलो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. इस क्वेश्चन में मास बराबर है तो ये तो जीरो हो जाएगा. v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर m2 m2 बराबर है तो ये 2m ऊपर भी 2m तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल u2. और वैसे भी लॉजिकली कर सकते हो, मास बराबर होते हैं तो सीधे सीधे उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं. तो सेवंथ क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर 10 और 15 हो जाएगा, 15 10 लिखा है तो हम उल्टा कर देंगे, 10 और 15 वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी तो हमारा आंसर v1 हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, और v2 हो जाएगा कितना 15 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है. अच्छा, साथ साथ अगर मूविंग विद वेलोसिटीज, और इसमें ऐसा नहीं कहा कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम कुछ नहीं कहा तो सेम डायरेक्शन में ही मानेंगे. लेकिन अगर वो कहता ऐसे एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं और डायरेक्शन भी पूछता तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है. वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होना. यस, नाइन्थ क्वेश्चन. कौन सा, एट्थ क्वेश्चन. बोलो 40 किलोग्राम एक मास है जो एक्सप्लोड हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. 40 किलोग्राम मास 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और सडनली एक्सप्लोड हो जाता है टू पीसेज में. वन पीस की वेलोसिटी जीरो हो जाती है और अदर पीस की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो दोनों के मास बताइए क्या रहे होंगे. देखो क्वेश्चन एट देखें, एक मास है 40 केजी का और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. सडनली इट एक्सप्लोड इन टू पीसेस. एक की वेलोसिटी जीरो, यानी एक जो मास है उसकी वेलोसिटी हो गई है जीरो. ठीक है, एम वन मान लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है. दूसरा जो M2 मास है उसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, तो बताना है कि ये M1 M2 क्या रहे होंगे. सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, इनिशियल मोमेंटम कितना 40 × 20. ठीक है, बराबर फाइनल इसका क्या जीरो, इसका मोमेंटम M2 इंटू 80. ठीक है, तो M2 इक्वल टू आ गया 40 × 20 डिवाइड बाय
80, कितना आ गया 10, ठीक है 10 kg। तो M1 कितना रहा होगा, 40 में से 10 घटा दो 30 kg, ये आंसर है। यस, 9th पीयूष 30 और 10 सही है। 9th, मास ऑफ 1 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट 10 मीटर इन सेंड बॉक्स, इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलाइडिंग द बॉक्स। ये तो सिंपल है, अंडर रूट 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, सॉल्व कर लो, 2gh कितना है 10 मीटर, ठीक है, मास की जरूरत नहीं है, 10 रूट टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल कोलाइड्स विद वॉल, एक बॉल को दीवार से मार दिया, रिटर्न्स विद डबल स्पीड, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो जितनी स्पीड से गई उतनी स्पीड से लौटेगी, डबल से तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड वी, ये करवा चुके थे क्लास में, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस। एक यूरेनियम 238 है, इसमें से, और ये शुरुआत में रेस्ट में ही रहा होगा, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो इसका मास रह गया 234, मास की बात करते हैं, और अल्फा पार्टिकल निकल गया उसका मास है 4, 2He4 होता है। अच्छा, उस इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v मीटर पर सेकंड है, तो ये जो रेसिडुअल न्यूक्लियस बचा इसकी वेलोसिटी क्या होगी v डैश, वो निकालनी है। तो सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो, रेस्ट में है, इसका मोमेंटम बोलो वी डैश इंटू 234, इसका मोमेंटम बोलो 4 इंटू वी, अपने को वी डैश निकालना है तो वी डैश इक्वल टू क्या है, -4v डिवाइड बाय 234, माइनस साइन ही बता रहा है कि ये इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है ना। यस, 4v अपॉन 234। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेड विद टाइम एज पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट, देन फोर्स प्रोपोर्शनल टू, तो मोमेंटम से फोर्स आ जाता है, कैसे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, कर लो डिफरेंशियल करो जरा, एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है तो बना कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, वाई रहेगा ऐसा, टी स्क्वायर का क्या हुआ 2t, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, टाइम, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी, ए आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं, देखो सारे क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं, आप लोग नहीं बता रहे, करो, ऐसा लग रहा है मैं ही एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम तुम्हें देना है, करना तुम्हें है। थर्टीन, अ न्यूक्लियस इज स्प्लिट इंटू टू न्यूक्लियाई, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई इज 2:1, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई रेडियाई, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा अगर वेलोसिटी का रेशियो उनको दिया हुआ है तो, ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो दिया है और आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो,
m1 v1 = m2 v2 कर दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में होगा, तो ये m1 v1 और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस m2 v2, तो इसका मतलब m1 v1 बराबर m2 v2 कर सकते हैं। मास को क्या लिखें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिखें, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी v1 इक्वल टू 4/3 पाई आर टू क्यूब इनटू डेंसिटी इनटू v2। देखो 4/3 पाई ये सब काट दो, रो काट दो, डेंसिटी काट दो, आपको r1 बाई r2 निकालना है, यह जाएगा v2 बाई v1, ठीक है, और r1 बाई r2 निकालना है, तो v2 बाई v1, v1 कितना है, ये v1 बाई v2 2:1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर में 1/3, ये आंसर हो जाएगा, यही आ रहा है, बताओ। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में द मास ऑफ स्फेयर इज m, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ u। एक स्फेयर है जिसका मास m है एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, u वेलोसिटी से चल रहा है, इट कोलाइड्स विद स्फेयर ऑफ सेम मास, एक और सेम मास का स्फेयर उससे कोलाइड होता है, जो कि ये तो रेस्ट में था, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इनइलास्टिक है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद में ये जो m मास है इसकी वेलोसिटी हुई v1, दूसरा m मास है इसकी वेलोसिटी हुई v2, तो आपको बताना है कि v1 बाई v2 क्या है। करें इसको, जब आप कर सकते हैं तो आप करो। देखो सबसे पहले क्या लगा लिया जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें, वो तो लगता ही है कोई सा भी कोलिजन हो, तो एम यू प्लस जीरो इनिशियल मोमेंटम, ये बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बराबर इधर क्या हुआ बोलो, mv1 प्लस mv2, मास सेम है कट गया, तो u इक्वल टू आया v1 प्लस v2 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब और क्या लगा लें बताओ, e भी फंस जाए इसमें किसी तरीके से, तो e का फार्मूला लगा लो, क्या था e का फार्मूला, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी, v2 माइनस b1, इनिशियल क्या होगी, u माइनस जीरो, ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई v2 माइनस b1 बराबर eu, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, ये u है, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम b1 बाय b2 निकाल सकते हैं, मतलब दोनों को ऐड कर दो, 1+2 करें, देखो ऐड करें, तो उसको जब ऐड कर रहे होंगे अपन, तो इधर वाली साइड को इससे ऐड करो, तो v1 और माइनस का v1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऐड करते समय, b2 कितना हो गया 2v2 बराबर, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ गया eu प्लस u, ये आ जाएगा, तो यहां से v2 तो निकल आया e प्लस 1 ब्रैकेट में u डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इस v2 की वैल्यू मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास v1 आ जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट u इक्वल टू v1 प्लस v2 की वैल्यू ये है e+1/2 इंटू u, तो v1 आ जाएगा, इसको इधर खींचो, u माइनस e+1/2 इंटू
यू, तो यू तो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो टू, टू का यहां मल्टीप्लाई हुआ टू माइनस ई माइनस प्लस माइनस वन, तो कितना आया वन माइनस ई, तो बोलो बी वन कितना आ गया, u ब्रैकेट वन माइनस ई डिवाइड बाय टू, ये तो आया b1, ये आया b2। अब b1 बाय b2 ही तो निकालना है, डिवाइड कर देते हैं, b1 बाय b2 वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो b1 कितना है और डिवाइड करोगे तो u बाय टू तो कट गया, तो वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई रह गया, यही आंसर है, देखो है कि नहीं है, वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई आ रहा है, ए आंसर, ठीक है ना। चलो थोड़े से जल्दी जल्दी कर लो, थोड़े से और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, कहाँ है बुकलेट, अरे यार घर पे क्या कर रही है, A न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी यू हैविंग काइनेटिक एनर्जी कैपिटल ई, दिस न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स परफेक्ट इलास्टिकली टू द न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर ए, दिस न्यूक्लियस इज स्टेबल, देन विच पार्ट ऑफ एनर्जी रिमेन इन न्यूट्रॉन विल बी, ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, रेशियो फाइंड करना है, Which part of energy remain in neutron? कौन सी एनर्जी, उस कौन सा पार्ट टोटल एनर्जी का रहेगा वो बताना है, तो इसको तो करो आप लोग, चलो एक मिनट का समय दे रहा हूँ, लगाओ दिमाग, इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, तो सारे मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर रहे, करो। न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, ये न्यूट्रॉन है, यू स्पीड से जा रहा है, Having kinetic energy E, अच्छी बात है, इसकी kinetic energy E है, ये strike करता है elastically, perfectly elastically with a nucleus having mass number A, एक nucleus है जिसका mass number A है, इससे collide करता है, और ये जो था ये कैसा था, nuclei is stable, मतलब ये suppose rest में है, which part of एनर्जी रिमेन इन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कौन सा पार्ट एनर्जी का रहेगा ये पूछा है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ पार्ट ट्रांसफर होके ए में चला जाएगा, तो पूछा है कि कौन सा पार्ट उसके अंदर न्यूट्रॉन के अंदर बचेगा, बताओ आप, चलो चारों ऑप्शन दिए हैं आपको, बनाइए सभी, न्यूट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलो, हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगी, बोलो। अब न्यूट्रॉन और इसका तुलना करें अगर हम, तो न्यूट्रॉन का मास अगर मैं वन मान लूं तो इसका मास ए हो जाएगा, क्यों, ए क्या है, मास नंबर होता है ना, तो मास नंबर का मतलब उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन है, अगर ए न्यूक्लियॉन है तो ए मास हो गया, और मास का मतलब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, यानी मास नंबर, मास जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करेगा, तो यहां चूंकि रेशियो लेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो हम सीधे सीधे इसको एम की जगह वन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिख सकते हैं,
जिससे कि डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो मास को मैंने वन लिख लिया, राइट, मतलब एक न्यूट्रॉन है तो एक न्यूक्लियॉन है, इसलिए मैंने वन लिख लिया। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, वो ए है। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के, प्रोटॉन का भी मास न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है, इसलिए इसको मैं ए लिख सकता हूँ, राइट। ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो क्वेश्चन में ई बोला है, फर्स्ट ये आ गया। अब हम इसकी न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाल लें। तो न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी वी वन टकराने के बाद फार्मूला क्या था बोलो, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यू वन प्लस टू एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। एम वन मतलब वन, एम टू मतलब ए, डिवाइड बाय वन प्लस ए, यू वन मतलब यू और यू टू मतलब जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो मेरे पास वी वन तो ये आ गया है। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी न्यूट्रॉन की, तो वन अपॉन टू इंटू वन इंटू वी वन का स्क्वायर, ये वी वन डाल दो इसके अंदर। तो अब बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की क्या हो गई, वन अपॉन टू इंटू वी वन कितना है, वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या पूछा कि न्यूट्रॉन के अंदर ये एनर्जी बची ना फाइनल, तो ये इनिशियल का कौन सा पार्ट है, तो इनिशियल से डिवाइड कर दो, तो के एफ बाई के आई पूछा है, तो के एफ तो ये रही और के आई किधर है, ये रहा, तो केवल हाफ यू स्क्वायर कट जाएगा, तो हाफ यू स्क्वायर कट के क्या बचेगा, वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर, सिंपल यही आंसर हो गया, ठीक है, वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर, डी आंसर आएगा इसका, क्लियर हुआ। क्वेश्चन 16 है आपके पास, मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल इज एम एंड वी, दिस बॉल स्ट्राइक टू द पेंडुलम ऑफ मास एम, इफ दिस कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन हाइट एट विच बोथ विल रीच विल बी, ये करवा दिया था बुलेट वाला, वही तो है, ये तो अपने आप कर लोगे। चलो 17th, ये भी करवा दिया था, पढ़ो जरा क्या आंसर होगा, बॉल fall through a height h if coefficient of restitution between ball and surface is e, small e मान लिख लेना उसको, then after n collision up to which height this will reach, n collision में कितना e to the power 2n होता है, height से compare करना है तो e की power 2n, तो a answer हो जाएगा, clear हो गया। 18th question, one bullet is fired by a light gun, other bullet is fired by a heavy gun, then which will damage the shoulder, जो light gun होगी वो उसका पीछे की तरफ velocity ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या होता है gun का जब बात करेंगे हम, तो ये है हमारे पास gun, ठीक है, इसमें गोली फंसी हुई है, ये bullet अभी rest में है, fire कर दिया तो ये gun जो होती है वो पीछे की डायरेक्शन में जाती है, कैपिटल वी, वेलोसिटी से वी जी मान लेते हैं, और जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में गई, कितनी वेलोसिटी से बोलो, सपोज स्मॉल वी वेलोसिटी से,
इसका मास, गन का मास है कैपिटल एम और बुलेट का मास है स्मॉल एम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली तो ये रेस्ट में, इनिशियल मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम क्या कैपिटल एम इंटू वी जी, इसका मोमेंटम क्या स्मॉल एम इंटू वी। तो इस गन की वेलोसिटी निकालो, तो गन की वेलोसिटी निकलेगी वी जी बराबर माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम, यही निकलेगी। माइनस साइन ये शो हो रहा है कि जो गन है वो बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी, बुलेट फायर करेंगे आगे तो गन जाएगी पीछे। अब पीछे जो गन की वेलोसिटी है वो इस गन के मास पर डिपेंड कर रही है, कर रही है ना, और कैसे कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये मास कम होगा तो गन की वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में ज्यादा होगी। तो यानी अगर गन लाइट होगी तो शोल्डर पर ज्यादा जोर से धक्का देगी, ठीक है, तो डैमेज ज्यादा होगा, इसलिए हमें इस मास को बढ़ाना पड़ता है, यानी गन के मास को बढ़ाना पड़ता है, हैवी गन होना चाहिए जिससे कि वो शोल्डर को डैमेज ना करे। तो अब मान लो हैवी गन नहीं है तो क्या करना पड़ता है, फिर उसको टाइट पकड़ना पड़ता है। बहुत टाइट पकड़ लोगे ना तो आपने उस गन के अंदर अपनी बॉडी का मास भी शामिल कर दिया, तो मास बढ़ गया, यानी आपने उस सिस्टम के अंदर अपने आप को भी शामिल कर लिया। बहुत टाइट पकड़ लो तो हमने अपना मास भी उस सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया, तो हम भी एक गन का पार्ट हो गए टाइट पकड़ लेंगे। तो एम मास बढ़ गया तो गन की वेलोसिटी पीछे कम होगी तो शोल्डर को कम डैमेज करेगी, लेकिन जो लाइट होगी वो ज़्यादा डैमेज करेगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं जल्दी से, कौन सा बचा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि नेक्स्ट टर्न से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करते हैं, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, इसमें से दो क्वेश्चन का वेटेज होता है और बहुत अच्छा चैप्टर है। किस में से, वर्क पावर एनर्जी में से, एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी पूरे फिजिक्स का पार्ट है, तो अपन तो कह सकते हैं कि हो सकता है 45 के 45 आ जाएं इसी में से, क्योंकि हर जगह पर एनर्जी लगती है, हर जगह पर पावर लगती है, हर जगह पर फोर्स लगता है। तो फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ पर एनर्जी की, फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की बात ना की जाए, ना वर्क की बात ना की जाए, तो हर चैप्टर में ऐसे आ सकता है। तो इसलिए इसका वेट, हाँ, जो अपन ने पढ़ा है अभी, इतने में से जो है एक या दो क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है, बाकी तो वर्क पावर एनर्जी पूरी फिजिक्स है। मास ऑफ 1 kg इज एट रेस्ट एंड इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट हुआ एम, दूसरा पार्ट हुआ एम, तीसरा पार्ट हुआ 3m, ठीक है, यानी 3 पार्ट हो गए m1, m2 और m3। इनका जो रेशो दिया हुआ है m1:m2:m3=1:1:3, ये दिया है। 2 equal masses जो हैं, ये 1 और 1 के थे, ये तो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और कितनी कितनी वेलोसिटी से, 30 meters per second से ये जा रहा है और 30 meters per second से ये जा रहा है। बताना है तो जो तीसरा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल जो 3 गुना है, उस मास की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। तो अब इसमें हम वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम, अगर इसका मास एम है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 30, ठीक है, और ये 90 डिग्री डायरेक्शन में गया तो एक को एक्स एक्सिस में चला दो, तो आई कैप कर देता हूँ यहाँ, दूसरा मास ये वाई डायरेक्शन में गया एम इंटू 30, तो इसको जे कैप कर देता हूँ, तीसरे का पता नहीं है तो तीसरे के मोमेंटम को पहले पी मान लेते हैं, पी3, तो पी3 निकाल लो, कितना आया, ये इधर चला गया,
और कितना आ जाएगा, या मैं लिख दूं यहां पर P3 को भी लिख दूं कुछ, 0 बराबर 30m i कैप प्लस 30m j कैप प्लस, इसका मास कितना है 3m, और इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पता नहीं है तो v3 कैप लिख देता हूं, v3 वेक्टर लिख देता हूं, ठीक है। तो अब m से तो m कट ही जाएगा, इसको उधर ले गए और तीन से भी डिवाइड कर दो तो आ जाएगा माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप इक्वल टू वी थ्री। अब वी थ्री फाइंड करना है तो ये रिजल्टेंट निकल आएगा इसका, आपको वेक्टर इक्वेशन मिल गई 10 आई माइनस 10 जे, तो इससे रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, आई और जे के मल्टीपल वो अंडर रूट में लेके, तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही आंसर है। कितना जाए 10 रूट टू, आंसर इज 10 रूट टू। तो ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे, यहां पर वर्क पावर एनर्जी पूरी तरीके से फिनिश होता है।